Greetings to all, myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about chlorophyce. Students, क्लोरोफाइसी के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, जनरल करेक्टरिस्टिक बताए, इसकी अकरेंस के बारे में बताया कि कहाँ पाया जाता है, किस हैबिट में निवास करता है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, सॉरी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया. स्टूडेंट्स, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया. अब थर्ड वीडियो में आपको इसका क्लासिफिकेशन और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ. फ्रिश डिवाइडेड क्लास क्लोरोफाइसी इनटू 9 ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फ्रिश ने आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, जननांगों, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर क्लोरोफाइसी को 9 गणों में बांटा, 9 ऑर्डर्स में बांटा. ये ऑर्डर्स हैं वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, इडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स और कारेल्स. स्मिथ डिवाइडेड डिवीजन क्लोरोफाइटा इनटू 2 क्लासेज, क्लोरोफाइसी एंड कारोफाइसी. स्मिथ ने डिवीजन क्लोरोफाइटा को 2 वर्गों, क्लोरोफाइसी वे कारोफाइसी में विभक्त किया. क्लोरोफाइसी में आगे 10 ऑर्डर्स और कारोफाइसी में 1 ऑर्डर को रखा, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले क्लासिफिकेशन में इसके अंदर 12 ऑर्डर रखे गए हैं. ये हैं वोल्वोकेल्स, टेट्रास्पोरेल्स, यूलोट्राइकेल्स, अल्वेल्स, शाइजोगोनियल्स, क्लेडोफोरियल्स, उडोगोनियल्स, जिग्मिने टेलियल्स, क्लोरोकोकेल्स, साइफोनेल्स, साइफोनोक्लेडियल्स, डेसिक्लेडियल्स और केरोफाइसी में 1 ही ऑर्डर कारेल्स को रखा. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइसी भी फिश ने दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. स्टूडेंट, ऑर्डर वोल्वोकेल्स. द ऑर्डर वोल्वोकेल्स इंक्लूड 60 जेनेरा एंड अबाउट 500 स्पीशीज. ऑर्डर वोल्वोकेल्स के अंदर क्या है, इसके 60 तो जेनेरा हैं और 500 इसकी जातियां सम्मिलित की गई हैं. 60 तो वंश और 500 जातियों को सम्मिलित किया गया है. द ऑर्डर वोल्वोकेल्स इंक्लूड 60 जेनेरा एंड अबाउट 500 स्पीशीज. इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षिक गुण. दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, सम आर ग्रोन इन ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर एंड ऑल्सो ऑन सोइल. ये अधिकतर सभी जातियाँ अलवणीय जल में पाई जाती हैं, जो प्लावी अथवा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में जल की सतह में तैरती रहती हैं. कुछ स्पीशीज की ब्रैकिश वाटर में और कुछ मरीन वाटर में और कुछ सोइल पर भी पाई जाती हैं. द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर वन आर कॉलोनियल इन हैबिट. The both unicellular and colonial members are motile either throughout or some part of their life cycle. They reproduce through sexually or asexually. Asexual reproduction takes place by zoospore, aplanospore, hypnospore, etc. and sexual reproduction by isogamy, anisogamy and oogamy. एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ. इसके सदस्य आदिम प्रकार के होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय
अथवा बहुकोशिकीय संरचना सम्मिलित हैं। एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय में कॉलोनियल जैसे कि वॉल्वॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइनी आदि सम्मिलित हैं। इसकी सभी जातियाँ अलवणी जली होती हैं जो प्लावी अथवा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में जल की सतह पर तैरती रहती हैं। इस गण के सदस्य या तो संपूर्ण जीवन भर चल या गतिशील रहते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनाडिनी, अथवा कॉलोनी का निर्माण करते हैं जैसे टेट्रास्पोरिनी, क्लोरोडेंड्राइनी। कशाभिकाओं की संख्या दो होती है, यदा कदा चार भी होती है, जिसमें विप्लेश टाइप के प्रदोत प्रकार के तथा एंटीरियर फ्लेजिला पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाओं में पेलनुमा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। आलैंगिक जनन द्विकशाभिकीय जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, पामेला स्टेज द्वारा होता है। लैंगिक जनन आइसोगेमस, समयुग्मिकी, असमयुग्मिकी और विषमयुग्मिकी प्रकार का होता है। युग्मनज जायगोट चिरकालीन काय का कार्य करता है जो कि प्रसूतावस्था में लंबे समय तक पड़ा रहता है। जायगोट में अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये तो हैं ऑर्डर वॉल्वोकेल्स के लक्षण। अब नेक्स्ट है ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स। द ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स इंक्लूड 80 जेनेरा एंड 430 स्पीशीज। यूलोट्राइकेट के अंदर 80 जेनेरा और 430 स्पीशीज को सम्मिलित किया गया है। द ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स इंक्लूड 80 जेनेरा एंड 430 स्पीशीज। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर वाइल फ्यू आर मरीन। अधिकतर तो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं लेकिन कुछ जातियाँ इसकी समुद्र में भी पाई जाती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं, एग्जाम्पल अल्वा। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर आर दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये अधिकतर फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और ऑन सोइल जैसे कि यूरोथिक्स, बट ए फ्यू आर मरीन, लेकिन कुछ इसमें मरीन वाटर में पाई जाती हैं जैसे कि अल्वा, एंटेरोमॉर्फा आदि। प्लांट बॉडी इज कॉमनली एन अनब्रांच फिलामेंट। इसकी प्लांट बॉडी एक अनब्रांच फिलामेंट है, बट इन अल्वेसी इट इज पेरेन्काइमेटस और फोलिसिसियस। लेकिन अल्वेसी में ये पेरेन्काइमेटस या फोलिसिसियस संरचना पाई जाती है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सी शेप्ड, पेराइटल और एक्साइल एट्सेट्रा। सेल्स इसकी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जैसे कि सी शेप्ड, पेराइटल और एक्साइल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन और मोर पायरेनाइट। हर क्लोरोप्लास्ट में एक या अधिक पायरेनाइट पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ बाई और क्वाड्रीफ्लेजलेट जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एकाइनिड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बाई और क्वाड्रीफ्लेजलेट जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा या एकाइनिड द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमेटिक यूनियन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका गैमेटिक यूनियन द्वारा होता है और मे बी आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ओगेमस टाइप का होता है, जो कि आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ओगेमस प्रकार का होता है। नेक्स्ट ऑर्डर है कीटोफोरेस। कीटोफोरेस आर द प्लांट विद हेयर और सीटे। कीटोफोरेस ऐसा क्लास है जिसके अंदर की हेयर्स और सीटे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर कीटोफोरेल्स, मेंबर्स आर जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर। जिसके अधिकतर सदस्य फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस एंड शो प्रोमिनेंट हेटरोट्राइकस हैबिट। हाउएवर इन कोलियोकीट द प्रोस्टेट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड मैक्रोथेमनियन द इरेक्ट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। सम मेंबर्स हैव सीटे और हेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। द हेयर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल इलोंगेटेड सेल और रो ऑफ फाइन इलोंगेटेड सेल्स। द सेल्स कंटेन ए
पेराइटल क्लोरोप्लास्ट विद मेनी पाइरिनोइड्स, इरेक्ट सिस्टम, बेयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाई और क्वाड्रीफ्लेजिलेट जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एकाइनिड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस आर फाउंड ओकेजनली। इसको मैं एक बार पूरा हिंदी में रिपीट करती हूँ बच्चों। पादप शरीर जटिलता प्रदर्शित करता है जो कि विषम तंतु की ये हिटोट्राइकस स्वरूप में पाया जाता है जो कि उधर व श्यान तंत्रों में विभेदित होता है, इरेक्ट व प्रोस्टेट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होता है। कुछ वंशों में दोनों तंत्र समान रूप से विकसित नहीं होते जैसे कि रेपेंडेल्डिया, माइक्रोथेमनियोन आदि में केवल उधर्व तंत्र होता है जबकि कोलोकेट में उधर्व शाखाएं लुप्त हो जाती हैं, विषयान भाग गोलाकार अथवा बिंबाकार रूपी हो जाता है। सूत्र द्विशाखित होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, शाखाओं के सिरे पर अंत में कीटी होते हैं, अंत में शाखाओं के सिरे तो उसमें अंत में कीटी होते हैं, कीटी में होते हैं, अंत में एक न्यूक्लियाकार संरचना होती है, कीटेस में अंत में होती है। इस गण के सदस्यों में हेयर्स वे सीटे की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कीटोफोरल्स का सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है कि इसमें हेयर्स वे सीटे की उपस्थिति, रोम वे शूकों की उपस्थिति इसका महत्वपूर्ण लाक्षणिक गुण है। इस लक्षण के आधार पर इस गण का नाम कीटोफोरेल्स रखा। कीटोश मतलब बाल या रोम, फोरेल्स मतलब पादप बाल या शूक युक्त पादप रखा गया है। शूक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय सक्रिय लंबी व रंगहीन संरचना होती है। थेलस के प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक एवं पायरिनोइड युक्त लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। कोशिका भित्ति दो परतों से बनी होती है, बाहरी पेक्टोज व भीतरी सेलुलोज। इस ऑर्डर के सदस्य अलवणीय अच्छे स्वच्छ जल में पाए जाते हैं परंतु कुछ जातियां इसकी स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, अलैंगिक व लैंगिक जनन का उद्भव उदर तंत्र में होता है। अलैंगिक जनन द्वि कशाबिकीय अथवा चतुष कशाबिकीय चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा अथवा एकाइनिड द्वारा होता है। लैंगिक जनन आइसोगेमस होता है परंतु कुछ जातियों में उगेमस एनाइसोगेमस भी पाया जाता है। इस गण के सदस्य प्राय आलवण जलीय होते हैं, ये प्राय चट्टानों अथवा जलीय पादप की सतह पर अथवा कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जातियां इसकी स्थलीय होती हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर पर आते हैं, उडोगोनियल्स पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ग्रो इन फ्रेश वाटर, द ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली थ्री जेनरा, उडोगोनियम, उडोक्लेडियम एंड बल्बोकिड। इसके अधिकतर मेंबर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अंदर तीन जेनेरा रिप्रेजेंट किए गए हैं, उडोगोनियम, बल्बोकिड, उडोक्लेडियम। इसके अंदर 350 जातियां सम्मिलित हैं। दे आर फिलामेंटस एंड द फिलामेंट में बी ब्रांच्ड उडोक्लेडियम, बल्बोकिड और अनब्रांच्ड उडोगोनियम। ये फिलामेंटस स्पीशीज है, तंतुल जाती है, थेलस तंतु होता है जो शाखित बल्बोकीट वे उडोगोनियम में, उडोक्लेडियम बल्बोकीट वे उडोक्लेडियम में शाखित होता है, वे अशाखित उडोगोनियम में पाया जाता है। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकल एंड बेसल रीजन, तंतु एक पंक्ति को होते हैं जिसमें शिखाग्र वे आधारित ध्रुवता पाई जाती है, एपिकल वे बेसल पोलरिटी पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सेल एंड सेल्स आर लॉन्गर देन ब्रिथ।
सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट विद पायरेनॉइड। कोशिका भित्ति तीन परतों में विभेदित होती है, बाह्य परत काइटिन मध्य पैक्टिन में भीतरी सेलुलोज की बनी होती है। इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेटेड होता है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में अनेक पायरेनॉइड स्थित होते हैं। सेल डिवीजन इज एलोबरेट एंड केप इज फॉर्म्ड एट द अपर एंड ऑफ द डॉटर सेल। इस गण के सदस्यों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप केप्स का निर्माण होता है। केप्स युक्त कोशिकाएं केप सेल्स कहलाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई पायरीफॉर्म्स मल्टीन्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लेजेड जूस स्पोर्स। फ्लेजिला आर अरेंज्ड इन ए रिंग अराउंड द बीक लाइक एंटीरियर एंड। अलैंगिक जनन बहुकशाबकीय चल बीजाणुओं द्वारा होता है। सेल डिवीजन इज एलोबरेट एंड केप इज फॉर्म एट द अपर एंड ऑफ डॉटर सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस ओगेमस टाइप। लैंगिक जनन इसमें प्रगत विषम युग्मी जी विषम प्रगत विषम युग्मी प्रकार का होता है। कायिक जनन विखंडन वे काइनेट द्वारा होता है। बोथ एंड्रोस्पोर्स एंड एंड्रोजॉइट्स आर मल्टीफ्लेजिलेट। मेल गेमिट्स आर सिमिलर टू जूस्पोर बट स्मॉलर इन साइज। गतिशील प्रजनन कोशिकाएं चल बीजाणु पू बीजाणु तथा पुमाणु क्रीड कशाबिका के प्रकार के होते हैं। क्रीड कशाबिक प्रकार के होते हैं, स्टोफेनोकोंट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है साइफोनेल्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ साइफोनेल्स आर मरीन। इसके अधिकतर मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं। फ्यू मेंबर आर फ्रेश वाटर। सम मेंबर ग्रो इज एपीफाइट और एंडोफाइट। इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मेंबर एपीफाइट या एंडोफाइट अवस्था में पाए जाते हैं। थैलोइड प्लांट बॉडी इज वेरियसली ब्रांच एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइटिक। प्लांट बॉडी में भी सिंपल वेस्कुलर टाइप टू मच ब्रांच फिलामेंटस टाइप। इसकी प्लांट बॉडी सिंपल वेस्कुलर टाइप से बहुत अधिक फिलामेंटस शाखित फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है, मच ब्रांच्ड। न्यूमरस स्मॉल एंड डिस्कोइड क्रोमेटोफोर आर अरेंज पेरिफेरली इनसाइड द थैलस। थैलस के अंदर बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे से डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स पेरिफेरी में बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं। न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टुवार्ड द इनर लेयर। द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ द ऑर्डर आर साइफोनिन एंड साइफोनोनेक्सिन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन। प्रेजेंस ऑफ साइफोन लाइक सेंट्रल वैक्यूल थ्रू आउट द प्लांट बॉडी विच रिमेन फिल्ड विद सेप। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर वॉल एंड वैक्यूल। द ऑर्डर इज नेम्ड साइफोनेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइफोन लाइक वैक्यूल्स। इसका नाम साइफोनेल्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर साइफोन लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। वेजिटेटिव द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द थ्री मीन्स वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पादप इसका वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मल्टीफ्लेजिलेट जूस्पोर एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मल्टीफ्लेजिलेट जूस्पोर एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ओगेमस टाइप का होता है। रेयरली दे परफॉर्म आइसो एंड एनाइसोगेमी। कभी कभी ये आइसो व एनाइसोगेमी को भी परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट सिक्स ऑर्डर है कारेल्स। ये बच्चों में इम्पोर्टेंट इसके ऑर्डर्स हैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। कारेल्स जिसका मेंबर कारा है, इस ऑर्डर के अंदर सात वंश वे 275 जातियाँ सम्मिलित हैं। इन्हें समानता स्टोन वर्ड्स कहते हैं। इसके सात वंश है कारा, प्रोटोकारा, लेम्प्रोथेमनियम, लेक्नोथेमनस, नाइटेलोप्सिस, नाइटेला और टोलीपेला। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके मेंबर पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कॉमनली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर विद मडी और सैंडी बॉटम एंड ऑल्सो इन वाटर फ्लोइंग ओवर लाइमस्टोन। अधिकतर इस तरह से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जिसमें कि नीचे मडी और सैंडी बॉटम होता है और लाइमस्टोन वाले जो वाटर फ्लो होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। प्लांट आर मैक्रोस्कोपिक, मच ब्रांच्ड एंड इरेक्ट एंड कॉमनली अप टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका प्लांट जो मैक्रोस्कोपिक होता है हमें आंखों के द्वारा आसानी से देख सकते हैं इसको, और बहुत अधिक शाखित होता है, इरेक्ट होता है और ये 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। द प्लांट आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। इसके पादप जो होता है प्लांट जो है नोड व इंटर नोड में डिफ्रेंशिएट होता है। सम ऑफ द नोड्स बियर ब्रांचेज अनलिमिटेड ग्रोथ, दोज आर अगेन डिवाइडेड इंटू नोड एंड इंटर नोड। ईच नोड ऑफ द मेन एक्सिस एंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बियर नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इस तरह इसमें दो तरह की ब्रांचेज पाई जाती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सेल्स आर वेरी लॉन्ग, यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन मेनी डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट। कोशिकाएं इसकी लंबी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज शो कोर्टिकेशन इन द इंटरनोड, द कोर्टेक्स कंसिस्ट ए वर्टिकली इलोंगेटेड रो ऑफ सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस्ड, यूगेमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका हाईली एडवांस होता है, यूगेमस टाइप का होता है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर ग्लोब्यूल एंड निक्यूल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इसकी ग्लोब्यूल और निक्यूल होते हैं। ग्लोब्यूल डेवलप मेनी एंथ्रोजॉइड्स एंड निक्यूल कॉन्टेन ओनली वन एग। ग्लोब्यूल में बहुत सारे एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होता है और निक्यूल में सिर्फ एक ही एग पाया जाता है। जायगोट इज प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इट शो वेरी मच एलोबरेटेड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जायगोट अंडरगोज मियोसिस एंड ग्रेजुअली इट फॉर्म द प्लांट बॉडी। इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जायगोट फॉर्मेशन में और लास्ट में ये जायगोट जो होता है मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। थैलस उधर शाखित तथा अत्यंत संगठित, राइजोट्स एवं उधर्व शाखित अक्ष में विभेदित होता है, इरेक्ट में ब्रांच एक्सिस में विभेदित होता है। पादप दीर्घ होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है तथा 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। मुख्य अक्ष में अनेक पर व परसंधियाँ होती हैं, नोड व इंटरनोड होती हैं। प्रत्येक परसंधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी मुख्य अक्ष की परसंधि से भी कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएँ निकलती हैं। ऐसी प्रवृत्ति अथवा पादप स्वभाव को इक्विसिटोइड स्वभाव कहते हैं, इक्विसिटोइड हैबिट कहते हैं। कोशिकाएं काफ़ी लंबी एक केंद्रकीय तथा बिंब सदृश हरित लवकों युक्त होती हैं। पादप की लंबी पर्व कोशिका अधिकांश जातियों में वलकुट से आच्छादित होती है। लैंगिक जनन प्रगत विषम युग्मी की एडवांस्ड उगेमस टाइप का होता है। जननांग नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। नर जननांग ग्लोब्यूल तथा स्त्री जननांग निक्यूल कहलाते हैं। निशिकांड का अंकुरण अप्रत्यक्ष होता है, इसमें प्रत्येक प्राथमिक तंतु प्रोटोनिमा बनाता है। पादप शरीर की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है
अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है कारा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी बच्चों में कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच बच्चों।